नमस्कार दोस्तों, आज मैं मैगी का पकोड़ा बनाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो मैगी का लिया था, दो मैगी का पैकेट। इसको इस तरह से मैगी को तोड़ करके मैंने ले लिया है। मैंने गैस पे रखा एक पैन, पैन में डाल दूँगी मैं एक गिलास पानी। इसे हम गर्म होने देते हैं। गैस को मैं ऑन कर दे रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो पानी को बॉयल होने देते हैं पहले। पानी देखिए उबलने लगा है फ्रेंड। तो मैं डाल दे रही हूँ इसमें मैगी और इसे हम एकदम सूखा कर देंगे। उबलने देते हैं इसको। मैगी हमारी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ। तो मैगी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिया है। ब्रेड को मैंने बारीक पीस लिया है इस तरह से। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ब्रेड डालूँगी और इसको हम बॉल्स बनाने के लिए तैयार करेंगे। अब इसी के साथ मैं कुछ मसाले डालूँगी, जैसे कि थोड़ा सा मैं हल्दी की पाउडर डालूँगी इसमें। मैंने यहाँ पे लिया है चॉप किया हुआ प्याज और मैंने हरी मिर्च को इस तरह चॉप करके ले लिया है। इसको भी डाल दूंगी इसमें। अब हमें डालना है इसमें स्वादानुसार नमक। नमक डाल दूंगी। सारी चीजों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। जितना मैगी हमारा ब्रेड इसमें सूखने, पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए हमारा डो एकदम तैयार हो गया है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेड बजा दिया है, ब्रेड क्रम्स। अब हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसका हम बॉल्स तैयार करेंगे इस तरह से। बारिश के मौसम में मैगी के पकौड़े जो है बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड। आप एक बार जरूर बना करके घर पर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो देखिए इस तरह से बॉल्स बना करके तैयार कर लूँगी। ये देखिए हमारा बॉल्स जो है बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम ब्रेड क्रम्स में थोड़ा सा लपेट देंगे इस तरह से। इस तरह से लपेट दूंगी इसमें। बॉल्स उठाएंगे और इसमें इस तरह से लपेट देंगे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से इस तरह से। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से मैं सारे रोल्स को बना ले रही हूँ। सारे बॉल्स हमने तैयार कर लिए हैं। आप देख पा रहे हो कितने बढ़िया लग रहे हैं। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। ऑयल हमारा गरम हो गया है तो मैं एक एक बॉल्स इसमें डाल दे रही हूँ इस तरह से। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। गैस को हमें मीडियम पर रखना है, नहीं तो ब्रेड है जल सकता है, इसलिए धीमी आंच पर इसे तलें। इसे हम पलट देते हैं धीरे धीरे इस तरह से। देखिए हमारे पकौड़े दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ और इसी तरह से बाकी पकौड़े तल ले रही हूँ। बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो ये देखिए हमारे मैगी के बॉल्स बिल्कुल तैयार हैं। तो आज के हमारी मैगी के पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।